तो ये देखिए साथियों, यहाँ पे ऑमलेट की तैयारियाँ हो रही हैं। ये प्याज कट रहा है और ये धनिया कट रहा है, और भी कुछ कटेगा। और ये काटने वाले शेफ देख लो, हमारे धीरेज भाई हैं। धीरेज भाई, एक मॉर्निंग वाली स्माइल कर दो, पीछे देखो। हाँ, नहीं नहीं पीछे क्या क्या पड़ गए, बस आपका हो गया। देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं कि कुकिंग कितनी अच्छी कर रहे हो आप। तो भाई धीरेज भाई ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। ला कुछ कटवा दूं। तो धीरेज भाई तैयारी कर रहे हैं सुबह के ब्रेकफास्ट की, सॉरी ब्रेकफास्ट की, ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट ही होता है ना, चाहे इसमें सुबह या शाम क्या होती है, वो तो ब्रेकफास्ट ही होता है। तो तैयारी कर रहे हैं दिनेश भाई हम सबके लिए। आज हम दिनेश भाई के साथ ही रुके हैं ना, दिनेश के घर में रुके हैं सारे लोग। तो बीइंग ए होस्ट, दिनेश हम सबके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी में जुटा हुआ है। तो साथियों स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज हम दिनेश के घर से, दिनेश के महल से लाइव हैं आपके लिए, वहीं से वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए मेरे साथ यहाँ पे सतीश है। तो सतीश आज इसी सोफे के ऊपर ही रात गुजारी है, कैसा लगा सतीश? बहुत अच्छा। रात कैसी गुजरी? बहुत अच्छा। आप मच्छर वच्छर ने किसी ने परेशान तो नहीं? नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो सतीश भाई यहाँ पे इस सोफे के ऊपर ही, इसी सोफे को आज बेड बना लिया था। तो यहाँ पे सतीश सबसे अलग, क्योंकि डर था कि कहीं कोई परेशान ना करे, तो आपस में सब करते हैं, तो इसीलिए सतीश यहाँ पे सोए हैं। तो कैसे? ऐसा कुछ नहीं था भाई। अच्छा, मुझे डर था कि एक दो बंदे हैं ना खर्राटे लेते हैं। अच्छा। क्या पता वो बंदा मेरे रूम में आ गया तो मेरी आफत आ जाएगी। अच्छा। तो मैं खर्राटों में मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। मैं बहुत शांत। अच्छा, शांति से ही नींद आ पाती है। नींद आती है, अलग शांत चीज। हाँ। तो इस वजह से मैंने सोफा अपने लिए चूज करा। अपने लिए चूज करा, बहुत बढ़िया बात है। देखिए साथियों, सोना सबने अपने तरीके से होता है, लेकिन कभी कभी जब बराबर के दोस्त मिल जाते हैं तो परेशान करते हैं। लेकिन इन्होंने उस वजह से ना करके ना, सिर्फ खर्राटों की वजह से सोफा चूज किया था, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी दूसरों से भी बात कराते हैं आपकी। तो इधर अपने साथ हैं मक्खन, और इधर है चंदर, और किचन के अंदर ही है। यहाँ पे दरअसल तैयारी हो रही है, तो सब दिनेश के साथ ही खड़े हो गए। तो मक्खन, रात नींद कैसी आई, कैसी गुजरी? मजा आया। सतीश ने कहा है कि भी खर्राटे वगैरह से वो परेशान था, इसीलिए उधर सो गया था। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात तो नहीं हुआ? नहीं, हमारे साथ सोने वाले से पूछा। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ कौन? चंदर। हाँ। बहुत बढ़िया, मजे आए। हाँ। सुर देखने को मिले। अच्छा, थोड़ा सा कभी ये भी मारे से थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। तो साथियों एक एक एज के बाद सुर आने लगते है, तो ये उसी सुर की बात कर रहे हैं। तो थोड़े से खर्राटे तो नेचुरल है, तो वही खर्राटे आ रहे थे थोड़ा बहुत। तो बाकी चंदर कैसी रही? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो बताया था 3:30 बजे तक नींद आ पाई है, तो कोई खास वजह या ऐसी? चेस्ट में पेन हो गया था। चेस्ट में पेन हो गया था, तो ये कि हमें पता नहीं चला, हम सब सोने में लग गए थे, तो इन्होंने अपने आप को ही रिकवर किया और फिर उसके बाद नींद आई। ये देखिए भाई, दूध गर्म हो रहा है, दूध में उबाल धीरे धीरे आने को है। और यहाँ पे हमारी तैयारियां हो रही है चाय के लिए, तो ये कप हमने तैयार कर लिए हैं। और आपको बताइए, शेफ आज के हमारे दिनेश भाई हैं, चिमनी ऑन कर दिया। यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं ना, सबकी गर्मी निकल जाएगी। क्या बात है लोग भाई, तैयार हो के आ गए? तैयारी तो हम कौन से इंग्लैंड गए थे भाई। तो कैसी गुजरी रात? मस्त है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, नींद आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नींद सबको बढ़िया आ गई है, सभी ने बताया कि हाँ नींद बहुत अच्छी आई है। तो भाई दिनेश, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि सबको नींद आ गई, आपको ये जान के खुशी भी होगी। और रही बात अब मेरी, भाई मुझे ही बहुत अच्छी नींद आई है, सुबह ही आँख खुल गया और अब फ्रेश महसूस हो रहा है। तो भाई सभी ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, सभी उठ के आ गए हैं, दिनेश के साथ ही बात कर रहे हैं। दिनेश अकेले अकेले कुक कर रहा है ना, इसीलिए। तो चाय का जो बीड़ा उठाया ना, आज जो चाय बन रही है वो सतीश बना रहा है भाई। और सतीश की चाय वाकई बहुत अच्छी होती है। सतीश भाई, काफी दिन बाद आप चाय बनाओगे? नहीं, बनाते रहते हैं घर में। साथी लोगों के लिए? हाँ, साथी लोगों के लिए। तो आज बना रहे हैं, उस दो साल बाद क्योंकि 2 साल पहले जब हम सतीश के घर पे रुके थे ना, जब सतीश ने बनाई थी, लेकिन वो भी चाय इन्होंने बनाई थी मेरे लिए, तो दूध ही गर्म करा था उस दिन। कैसा लग रहा भाई ब्रेकफास्ट? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट बनाया है। हाँ हाँ, हमारे दिनेश कुमार जी ने। अच्छा, सतीश जी ने। अच्छा अच्छा,
तो भाई मजा आया है दिनेश चंद्र को तो ब्रेकफास्ट खाने में। और ये देखिए इधर मक्खन, मक्खन किस चीज का वेट हो रहा है? ओनली टी, ओनली टी। तो भाई चाय का वेट हो रहा है, जनता वेट कर रही है। और यहाँ पे चाय वाला जो है सतीश, ये चाय टाइम से नहीं बना के दे रहा है। अच्छा क्या बोल रहा? तो बस भाई चाय की वेट हो रही है, नए नए बनाने वाले हैं ना सभी, इसीलिए सब वेट कर रहे हैं। ये देखिए, और दिनेश ने तो ब्रेकफास्ट जल्दी रेडी करके दे दिया बस। और अब मैं भी खाता हूँ और मैं भी आपको बताता हूँ उसका स्वाद कैसा है। एक्चुअली जो चाय लेट हो रही है ना, वो इस वजह से लेट हो रही है क्योंकि ये गुड़ की चाय बना रहे हैं। तो साथियों ज़रूरी नहीं है लेडीज़ लोग ही गुड़ की चाय बनाते हैं, सतीश भी बहुत बढ़िया गुड़ की चाय बनाता है। भाई एक दिन के लिए इस किचन पे अपना राज हो गया है, सब इसी के अंदर घूम रहे हैं और इसी के अंदर से अपना अपना सामान ढूंढ रहे हैं किसने क्या खाना है। तो ठीक है, जब मैडम आएंगी, जबकि जब देखेंगे भाभी जी कहेंगे अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन बचना तो दिनेश ने है भाई, तो जब तक ये मैनेज कर लेगा, अरेंज कर लेगा बाकी चीज़ों को। हैं दिनेश, अरेंज हो जाएगा ना भाई? हाँ, तो बस भाभी जी जब तक आएंगे जब तक सब कुछ मस्त हो जाएगा काम। तो भाई ये देखिए अब सबकी टी आ गई है और अब टी का भी आनंद ले रहे हैं सभी लोग। कैसी बनी है भाई जो एक गुड़ की टी सतीश ने जो बनाई है? बढ़िया बढ़िया है, मस्त है, मस्त है। या कुछ टेस्ट स्पेशल लग रहा हो कुछ घर से अलग? थोड़ी थोड़ी कड़वी लग रही है। कड़वी लग रही है नहीं, लेकिन सतीश स्ट्रांग बनाता है, लेकिन बढ़िया बनाता है। गजब गजब भाई, आलोक भाई ने पास कर दिए चाय। सतीश भाई आपको जान के खुशी होगी, आपकी चाय सभी लोगों ने पास कर दी है, स्ट्रांग बनाई है और बहुत बढ़िया बनाई है। मोदी चाय वाले के बाद में तो सतीश चाय वाला बनेगा ना? तो क्या कौन बनेगा, चाय वाला बनेगा क्या प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं नहीं, चाय वाला कौन बनता है? अच्छा चाय वाला कौन बनता है आगे चल के? आगे चल के प्रधानमंत्री। हाँ। चलिए ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देश के नए प्रधानमंत्री होने वाले, होने वाले भावी प्रधानमंत्री, भविष्य वाले, भविष्य वाले प्रधानमंत्री हैं। ओके, हाँ हाँ भावी प्रधानमंत्री, नहीं बोला मैंने, भावी बोला। हाँ 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 हाँ, सब दुनिया सब समझती है भाई, जनता को सब 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 समझदार है जनता। तो भाई मैंने तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर ले लिया और चाय आ गई है, मस्त है। सारे लोग मस्त बैठे हैं, सभी बात कर रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं। और अब इधर उधर की बातें चल रही है, अब इसके बाद अब हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो भाई अपना तो यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है। तो भाई अब सब यहाँ से निकलने लगे हैं, अब हम भी निकल रहे हैं। तो भाई फाइनली अब दिनेश से सब विदा ले रहे हैं, अब सब अपने अपने डेस्टिनेशन को निकल रहे हैं। रात दिनेश के साथ गुजारी है, बहुत बढ़िया रहा। आजा भाई दिनेश, हमसे भी मिल ले ब्लॉगर। तो भाई तो भाई फाइनली अब हम भी जा रहे हैं, अब हम भी विदा ले रहे हैं। काफ़ी सालों बाद हम दिनेश के यहाँ बैठे हैं एक साथ सारे मिलके, लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी कभी बैठ होता है, अब तो सालों में होता है मिलना। क्या कहता है दिनेश, कुछ कहता है? तो दिनेश थोड़ा सा शाई महसूस कर रहा है। चलिए ठीक है, ओके बाय। तो साथियों मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ क्योंकि शाम को मेरे को एक दूसरा ब्लॉग बनाऊँगा, तो वो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उसे दिल से थैंक यू है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।